साथियों, आज वन नेशन वन फर्टिलाइजर इसके रूप में किसानों को सस्ती और क्वालिटी खाद भारत ब्रांड के तहत उपलब्ध कराने की योजना है। ये शुरू हो गया आज। 2014 से पहले फर्टिलाइजर सेक्टर में कितने बड़े संकट थे, कैसे यूरिया की कालाबाजारी होती थी, कैसे किसानों का हक छीना जाता था और बदले में किसानों को लाठियां झेलनी पड़ती थी, ये हमारे किसान भाई बहन 2014 के पहले के वो दिन कभी नहीं भूल सकते। देश में यूरिया के बड़े बड़े कारखाने बरसों पहले ही बंद हो चुके थे, क्योंकि एक नई दुनिया खड़ी हो गई थी। इंपोर्ट करने से कई लोगों के घर भरते थे, जेब भरते थे, इसलिए यहां कारखाने बंद होने में उनका आनंद था। हमने यूरिया की 100% नीम कोटिंग करके उसकी कालाबाजारी रुकवाई। हमने बरसों से बंद पड़े देश के 6 सबसे बड़े यूरिया कारखानों को फिर से शुरू करने के लिए मेहनत की है। साथियों, अब तो यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए भारत अब तेजी से लिक्विड नैनो यूरिया, प्रवाही नैनो यूरिया की तरफ बढ़ रहा है। नैनो यूरिया कम खर्च में अधिक प्रोडक्शन का माध्यम है। एक बोरी यूरिया, आप सोचिए, एक बोरी यूरिया को जिसके लिए जरूरत लगती है, वो काम हम नैनो यूरिया की एक छोटी सी बोतल से हो जाता है। ये विज्ञान का कमाल है, टेक्नोलॉजी का कमाल है, और इसके कारण किसानों को ये यूरिया के बोरे लाना, ले जाना, उसकी मेहनत, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा और घर में भी जाकर के रखने के लिए जगह, इस सब मुसीबतों से मुक्ति। अब आप आए बाजार में, 10 चीजें ले रहे हैं, एक बोतल जेब में डाल दिया, अपना काम हो गया। फर्टिलाइजर सेक्टर में रिफॉर्म्स के हमारे अब तक के प्रयासों में आज दो और प्रमुख रिफॉर्म, बड़े बदलाव जुड़ने जा रहे हैं। पहला बदलाव यह है कि आज से देश भर की 3.25 लाख से अधिक खाद की दुकानों को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों के रूप में विकसित करने के अभियान को आरंभ किया जा रहा है। ये ऐसे केंद्र होंगे जहां सिर्फ खाद ही मिलेगी ऐसा नहीं, बल्कि बीज हो, उपकरण हो, सॉइल टेस्टिंग, मिट्टी की टेस्टिंग हो, हर प्रकार की जानकारी जो भी किसान को चाहिए वो इन केंद्रों पर एक ही जगह पर मिलेगी। हमारे किसान भाई बहनों को अब कभी इस यहां जाओ, फिर वहां जाओ, यहां भटको, वहां भटको, इस सारी झंझट से भी मेरे किसान भाइयों को मुक्ति। और एक बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव किया है, अभी नरेंद्र सिंह जी तोमर बड़े विस्तार से उसका वर्णन कर रहे थे, वो बदलाव है खाद के ब्रांड के संबंध में, उसके नाम के संबंध में।
प्रोडक्शन की समान क्वालिटी के संबंध में अभी तक इन कंपनियों के प्रचार अभियानों के कारण और वहां जो फर्टिलाइजर बेचने वाले लोग होते हैं जिसको ज्यादा कमीशन मिलता है तो वो ब्रांड ज्यादा बेचता है, कमीशन कम मिलता है तो ब्रांड वो ब्रांड बेचता नहीं है और इसके कारण किसान को जरूरत के हिसाब से जो गुणवत्ता वाला खाद मिलना चाहिए वो इन स्पर्धा के कारण भिन्न भिन्न नामों के कारण और वो बेचने वाले एजेंटों की मनमाही के कारण किसान परेशान रहता था और किसान भी भ्रम में फंसा रहता था। पड़ोस वाला कहता था कि मैं ये लाया तो उसको लगता है मैं ये लाया हूं, मैंने तो गलती की, अच्छा छोड़ो इसको पड़ा रहने दो वो मैं नया लाया लेके आता हूं। कभी कभी किसान इस भ्रम में डबल डबल खर्चा कर देता था। डीएपी हो, एमओपी हो, एनपीके हो, ये किस कंपनी से खरीदे यही किसान के लिए चिंता का विषय रहता था। ज्यादा मसूर खाद के फेरे में कई बार ऐसा भी ज्यादा देना पड़ता था और मान लीजिए उसके दिमाग में एक ब्रांड भर गई है वो नहीं मिला और दूसरा लेना पड़ा तो वो सोचता है चलो इसमें जरा पहले एक किलो उपयोग करता था अब दो किलो करूं क्योंकि तो ब्रांड दूसरी आई ये पता नहीं कैसे, मतलब उसका खर्चा भी ज्यादा हो जाता था। इन सारी समस्याओं को एक साथ एड्रेस किया गया है। अब वन नेशन वन फर्टिलाइजर से किसान को हर तरह के भ्रम से मुक्ति मिलने वाली है और बेहतर खाद भी उपलब्ध होने वाली है। देश में आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाइए, एक ही नाम, एक ही ब्रांड से और एक समान गुणवत्ता वाले यूरिया की बिक्री होगी और ये ब्रांड है भारत। अब देश में यूरिया भारत ब्रांड से ही मिलेगी। जब पूरे देश में फर्टिलाइजर का ब्रांड एक ही होगा तो कंपनी के नाम पर फर्टिलाइजर को लेकर होने वाली मारामारी भी खत्म हो जाएगी। इससे फर्टिलाइजर की कीमत भी कम होगी, खाद तेजी से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगा।